पूरे देश में आज जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इसी मौके पे बिहार विधानसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव का आज जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। आज 71वां जन्मदिन उनकी मनाई जा रही है। पटना सिटी की बात करें तो पटना सिटी के एक निजी हॉल में उनका आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की अगर बात करेंगे तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं हमेशा उनको बुके और शॉल देकर उनको सम्मानित कर रहे हैं और काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं लोग क्या कुछ कह रहे हैं उसकी बयान को सुनते हैं और क्या नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा अध्यक्ष बोले हैं, पहले उनके बयान को सुनते हैं। कई वर्षों शताब्दी के बाद ऐसा होता है कि जन्मदिन अतिथि एक समय पर है और इस बार जन्माष्टमी भी है, जन्मदिन उत्साह के साथ और सरकारी हो दिखाई हो पूरे कार्यकर्ता पूरा समाज उनको दुआ दे रहा है। 7 बार से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। पटना सिटी में विकास का नाम ही नंदकिशोर यादव है। उनके जन्मदिन पर सारी जनता उनको बधाई दे रही है कि पटना सिटी में जितना विकास वो किए हैं उतनी लंबी उम्र उनकी हो। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और इस क्षेत्र के लगातार 7 वर्ष से प्रतिनिधित्व करने वाले विकास पुरुष आदरणीय नंदकिशोर यादव जी का जन्मदिन और हम नंदकिशोर यादव फैंस संघ के अध्यक्ष के नाते पटना साहिब के सभी जनता का और खास करके आज हमारे नेता का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बिहार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष सम्प्रति बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी का जन्मदिन है। आज पटना साहिब के सारे कार्यकर्ता इसे उत्सव के रूप में मना रहे हैं, सभी हर्षोल्लासित हैं और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हम सब आज गौरवान्वित हैं उनको अपने बीच पाके और जिस तरह से उन्होंने जनप्रतिनिधि का रोल अदा किया है पटना साहिब में, इस तरह से वो सभी के सुख दुख में साथ रहते हैं और विकास करते हैं। सबसे पहले तो मैं उनके जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे और आज इस अवसर पर पटना सिटी में कार्यकर्ताओं द्वारा उनके सम्मान में यहाँ पर एक अभिनंदन रखा गया है और सभी कार्यकर्ता अपना प्यार और स्नेह उनको दे रहे हैं और हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। देखिए, पटना साहिब की जनता ने जो प्यार और स्नेह मुझे दिया है उसका ही आज परिणाम है कि लोगों में उत्साह है मेरे जन्मदिन के अवसर पर। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं जब तक रहूं पृथ्वी पर अपने लोगों की सेवा करता रहूं, जनता की सेवा करता रहूं। देश भर में आज जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, आज ऐसा खास है कि आपका भी जन्मदिन है। मेरा भी जन्मदिन उसी दिन हुआ, इसलिए मेरा नाम माता पिता ने नंदकिशोर रखा है। तो मेरा सौभाग्य है भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर ही मेरा भी जन्म हुआ है। तो भगवान का कुछ अंश मेरे में आए, लोगों के भलाई में मेरा जीवन लगे, यही संकल्प है, यही प्रार्थना। जन्मदिन में कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साह देखे जा रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्यार का ही नतीजा है कि नंदकिशोर आज यहाँ खड़ा है और मैंने कहा कि भगवान से मेरी प्रार्थना है कि इतनी शक्ति दे कि मैं अपने लोगों की सेवा करता रहूं, परिषद की सेवा करता रहूं। तो आपने साफ तौर से सुना है कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और किस तरीके से वो नंदकिशोर यादव जी को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएँ दे रहे हैं। वहीं अगर बात करेंगे तो सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि नंदकिशोर यादव जब तक रहे कम से कम 100 साल जिए और लंबी उनकी आयु हो। लेकिन लोगों की अगर बात करेंगे तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, काफ़ी खुशी है और वो लोग काफ़ी धूमधाम से उनका जन्मदिन को मना रहे हैं। पटना सिटी से मैं मुकेश कुमार।